हर एक का दोस्त बनना हर एक में एक दोस्त को जुड़ना मैं तो दोस्त हूँ हेलो नमस्ते वेलकम टू आर न्यू शो यू थड्डा स्पिरिचुअलिटी बनाती है आपको कूल cool. आप सोच रहे होंगे स्पिरिचुअलिटी और कूल cool? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और कूलनेस होते हैं पोल से पार्ट भाई हम ऐसा नहीं कह रहे ऐसा बोल रहे हैं हमारे साथ आज मौजूद युवा देविका गुप्ता जो कि है स्पिरिचुअलिटी में नंबर वन इन्होंने अपनाया स्पिरिचुअलिटी के टूल को और बन गई ये है कूल वेलकम देविका थैंक यू आने वेल देविका के साथ हम अपने शो को आगे बढ़ाएंगे पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देविका एक बहुत ही बबली वाइब्रेंट और फन लविंग युवा है देविका एक दो तीन चार पाँच छह बारह ईयर्स से मेडिटेशन में है देविका इतू सी थी जब से स्पिरिचुअलिटी में तो देविका आप स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन में कब और क्यों है मैंने ध्यान करना शुरू किया जब मैं 12 साल की थी एंड तब से मैं आज तक ध्यान करती आ रही हूँ मेरी मम्मी ने मुझे मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो मुझे एक मेडिटेशन सेंटर ले गई दिल्ली में एंड uh, उन्होंने बोला कि नहीं तुझे ध्यान करना है मेडिटेशन करना है एंड यू विल सी कि वो कैसे लाइफ बदलता है एंड मैंने कहा मेडिटेशन ये तो जो हिमालय में बैठे हुए साधु सन्यासी होते हैं ना जिनकी लंबी लंबी दाड़ी होती है ये तो उनके लिए है एंड uh, मैंने कहा आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप जाओ आप बड़े हो आप जाओ मेरा कोई काम नहीं है बट उन्होंने बोला नहीं तो चल और वो मुझे ले गई तो मैंने सोचा कोई बात नहीं जब अंधेरा होगा तो मैं अपना फ़ोन निकाल के तब मुझे नया नया फ़ोन मिला था तो मुझे लगा कि मैं अपना नया नया फ़ोन निकाल के उसमें गेम खेलूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा परंतु जब मैं पहुंची वहाँ पे एंड वहाँ पे जो अ, मेडिटेटर थे जो मास्टर थे जो ध्यान करा रहे थे सबको व, उन्होंने बोला कि आपको आइस तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं ओके ना कह दूँ एंड मैंने कहा अब मैं क्या करूँ मैंने कहा चलो करके देखते हैं ये मेडिटेशन है क्या एंड uh, मैंने पहली बार जब ध्यान किया तो मैंने एक घंटा ध्यान किया और मुझे पता ही नहीं चला मुझे लगा अभी तो अभी तो मैंने आइज़ बंद की थी फाइव मिनट्स ही हुए हैं एंड जब मैंने आइज़ ओपन करी तो वन आवर हो चुका था एंड uh, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत एनर्जेटिक महसूस हुआ एंड आई वॉज़ लाइक ये तो बहुत अच्छा था इसमें क्या है ये तो मैं कर सकती हूँ इट्स नॉट बोरिंग एंड तब से लेकर अब तक मैं ध्यान करती आ रही हूँ वाह दैट्स अमेजिंग तो का आप ये बताओ कि आप पत्री सर से फ़र्स्ट टाइम कबर कैसे मिले पत्री सर से मैं आ, मिली एक हमारे मेडिटेटर हैं जो गुड़गांव में रहते हैं हितेश वशिष्ठ उनके घर पे मिली मैं उनसे दो हज़ार दस में okay. तो पत्री सर से आप फर्स्ट टाइम मिले क्या एक्सपीरियंस था कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम मिलके आपको लगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़े इंसान हैं एंड मैं तो इतनी छोटी सी हूँ तो लाइक कुछ डर था कुछ अलग सा लगा आपको यस yes, बहुत डर था ऑनेस्टली uh, स्पीकिंग मैंने जब उनको पहली बार देखा तो मुझे बहुत डर लगा मुझे लगा ये तो एक्चुअली वो बाबा टाइप्स हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ी ही केम अंदर आए मुझे लगा ये तो वही है जो हम टीवी में जैसे देखते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी वाइट कलर की दाढ़ी और कुर्ता पजामे में आए और ये हैड बिग आईस बिग शार्प आइस मुझे लगा कि मैं तो इनसे बात भी नहीं कर सकती एंड कब में वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए मुझे पता भी नहीं चला वाओ पत्री सर से आपने क्या सीखा पत्री सर से मैंने इन सालों में बारह सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑब्जर्व करके भी उनसे बात करके भी उनके लेक्चर सुन के भी तो हर छोटी से छोटी चीज़ उनसे मैंने सीखी है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी सीखी है जैसे कि हमेशा हमें मिडिल पाथ पे रहना चाहिए हमें अटैचमेंट अटैचमेंट से हटकर एक न्यूट्रल पाथ अपनाना चाहिए हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए एंड प्रेजेंट में जीना चाहिए अगर हम अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं और पास्ट को हम पास्ट में ही छोड़ रहे हैं तो हमारा फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही यस एब्सोल्युटली देविका आप बहुत छोटी थी जब से आप ध्यान में आई हैं तो ऐस स्टूडेंट सबका होता है कि यार सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई के बारे में एकेडमिक्स के बारे में एंड करियर के बारे में बहुत टेंशन होती है तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद पत्री सर से मिलने के बाद आपको कैसे हेल्प हुई अपने करियर में uh, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तब मैं एक बच्ची थी स्कूल जाती थी आई थिंक मैं क्लास सेवन्थ में थी तब एंड uh, उस टाइम पे मेरे लिए स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी मेरे को क्लास में टॉप करना बड़ा अच्छा लगता था मेरे को एक बहुत uh, अच्छी फील आती थी जब मैं क्लास में टॉप करती थी तो बट क्या होता था उसके लिए मुझे बहुत आर्स डिवोट करने पड़ते थे पढ़ाई करने में जैसे कि मैं पूरा पूरा दिन किताबें लेके बैठी रहती थी ट्यूशन जाती रहती थी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करती थी लेकिन जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मेरा कंसंट्रेशन जो था वो इतना इंक्रीज़ हो गया मेरा लर्निंग टाइम इतना कम हो गया कि मैं तीन घंटे का सिलेबस एक सवा घंटे में कवर कर लेती थी एंड इससे मुझे और चीज़ें करने के लिए भी टाइम मिलना शुरू हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हॉबीज को परस्यू करना मेडिटेशन करना तो मैं क्या करती थी मैं पिरामिड के नीचे बैठ के पहले ध्यान करती थी आ, फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती थी वहीं पिरामिड के नीचे बैठ कर एंड बहुत जल्दी सब कुछ लर्न हो जाता था तो मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आई क्लासेस में कॉन्सनट्रेशन भी बढ़ी एंड मुझे बहुत मज़ा आने लग गया कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था पति सर से मीन्स बहुत ज़्यादा एज गैप है पति सर बहुत बड़े हैं तो आपको कभी लगा कि अरे तो बहुत बड़े हैं तो मैं इनसे ओपन अप नहीं कर सकती आपको लगा कि ये बहुत फ्रेंडली है कैसा लगा आपको आ, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे उनको पहली बार देख के बहुत डर लगा था तो मेरे मम्मी ने उनको बोला कि सर ये ना आपसे बड़ा डरती है आपको देख के मतलब आपसे बात भी नहीं करती है भाग जाती है तो आ, सर ने बोला कि अरे बाबा मैं बाबा नहीं हूँ मैं आपका फ्रेंड हूँ एंड उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया कि आ, मुझे पता भी नहीं चला कब मैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए मैं उनसे हर तरीके का क्वेश्चन पूछती थी मतलब आप मानिए तो मैं क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी एंड मैं बच्चों वाले क्वेश्चंस भी उनसे पूछती थी कि सर मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूं? ऐसे क्वेश्चंस भी तो और उन्होंने उन क्वेश्चंस के भी आंसर दिए मुझे एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली सवाल भी मेच्योर होते गए एज uh, पर सर ने हमेशा मुझे इतना कंफर्टेबल फ़ील कराया एक अप्रोचेबल फ़ील कराया कि कभी भी मैं उन्हें फ़ोन कर सकती थी उनसे मिल सकती थी एंड उनके साथ हमेशा एक फ्रेंडली वाइब आती थी वाह दीपिका आप पत्री सर से इतनी बार मिली हैं तो ऑब्वियसली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लेकिन आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट सबसे ज़्यादा जो आपको बहुत स्पेशल है वो कौन सा मोमेंट है आ, पत्री सर के साथ मैंने अपना बचपन भी जिया है एक टीन भी जिया है तो वो मेरे लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का एक नया नज़रिया दिखाया ध्यान एक उपहार दिया एक गिफ्ट दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी एक अप्रोच बदल दी लाइफ जीने की तो उनका कंसेंट और उनका अप्रूवल मेरे लिए हमेशा बहुत ज़रूरी रहा है तो जब अभी पिछले साल ही मेरे को था कि मुझे शादी करनी है तो दे सम्मान जिसको मैं लाइक करती थी पर थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ नहीं जा रही सही डिसीजन ले रही हूँ नहीं ले रही तो मैंने आ, सर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया और मिलवाया और ये बात है पिछले साल अक्टूबर की एंड उस टाइम पे बिकज़ ही वॉज नॉट अ मेडिटेटर वो ध्यान नहीं करते थे तो मेरे लिए वो और ज़्यादा ज़रूरी था सर से ये पूछना कि क्या मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही इसीलिए मैंने आ, उन्हें इंट्रोड्यूस कराया पत्री सर से एंड सर ने मुझे बोला गो अहेड एंड ही गिव मी अ थम्स अप बहुत सी चीज़ें रहती हैं दिमाग में जब आप ध्यान ही बन जाते हो कि वेजिटेरियनिज्म भी बहुत इम्पॉटेंट हो जाता है मेडिटेटर होना भी बहुत इम्पॉटेंट हो जाता है बिकॉज आप ना चीज़ों को लाइफ में बहुत अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हो तो एंड वो पहले नॉन वेज भी खाते थे और वो मेडिटेटर भी नहीं थे उस टाइम पे तो इसलिए मैंने सर से पूछा और सर ने आ, बोला यस गो अहेड तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था एंड उसके बाद सर ने बोला कि नवंबर में एम वाई डी के विच इज़ महायोग ध्यान कुंभ जो ऋषिकेश में हमारा हर साल एक इवेंट होता है ध्यान का उसमें सर ने बोला कि आ, एक पिरामिड इंगेजमेंट कराएंगे मेरी और उनकी एंड पिरामिड इंगेजमेंट क्या होता है uh, जैसे कि जो हमारी ये मेडिटेटर फैमिली है इनके साथ इनके सामने uh, हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज uh, uh, करते हैं ये वाओ कि यस वी आर गोइंग टू स्पेंड रेस्ट ऑफ आर लाइफ्स टुगेदर तो वो सर ने uh, कराया गंगा किनारे एंड इट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ तो दिस इज़ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग दैट आई हैव इट्स ब्यूटीफुल दैट्स अमेजिंग देविका एंड कांग्रेचुलेशंस थैंक यू देविका आप इतने टाइम से स्पिरिचुअलिटी में जब हम मेडिटेट करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार हम साधु सन्यासी बन जाएंगे बट आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं बिल्कुल एक क्रिएटिव फील्ड में हैं आप जहाँ पे आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया में सब जगह रहते हैं सोशलाइज करते हैं नेटवर्किंग होती है पार्टी करते हैं तो आपको लगता है कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपको मेडिटेशन में आने के बाद ही आपको आया नहीं बिल्कुल भी नहीं पोल अ पार्ट मैं पहले एक डॉक्टर बनना चाहती थी मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का और मैंने इलेवेंथ में साइंस भी ली पर धीरे धीरे ना क्योंकि मेरे को मेडिटेशन बहुत अर्ली मिल गया था एज में तो मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले आ गई थी तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि हमें मेडिसिनस पे डिपेंड नहीं होना है हम अपने आप को खुद क्योर भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव तरीक़ों से मेडिटेशन से तो आई डिन नॉट वॉन्ट टू बिकम अ मेडिसिन डॉक्टर एक मेडिटेटर डॉक्टर तो बन सकती हूँ बट हाँ मेडिसिन डॉक्टर बनने का मेरा जो पर्पज था वो ख़त्म हो गया एंड मुझे लगा कि देर इज़ मच मोर देट आई कैन डू मेरे अंदर कुछ और टैलेंट्स थे जो मैंने मेडिटेशन में आके Uh, जाने मैंने अपना क्रिएटिव साइड देखा एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे फ़ैशन uh, कम्युनिकेशन करना है फ्रॉम निफ्ट दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तो मैंने ये सर से डिस्कस किया जब मेरा ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आया हम लोग स्विट्ज़रलैंड में थे ट्रैवल कर रहे थे सर के साथ एंड तब तो हम बहुत हमारे पास फ्री टाइम था uh, तो मैंने सर को बताया कि ऐसे मेरे को करना है uh, फैशन कम्युनिकेशन तो उन्होंने बहुत टाइम uh, दिया मेरे मे को और मेरे को बहुत मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना एंड uh, उन्होंने मुझे बोला कि वॉट विल यू डू फैशन में क्या कर लोगे मतलब क्या करोगे फैशन से आगे क्या मिलेगा तुमको या हम बेसिकली इस वर्ल्ड uh, को क्या दे रहे हैं फैशन से तो मैंने कहा नाट फैशन एक्जैक्टली बट मुझे कम्युनिकेशन करना है बेसिकली मेरे को लगता है कि मेरे अंदर एक क्रिएटिव स्किल है एक सेट है जिस जिस क्रिएटिविटी को यूज़ करके मैं बेसिकली uh, बहुत सी चीज़ें थी जो वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहती थी तो उन्होंने uh, बोला थिंक मोर कह के छोड़ दिया एंड थिंक मोर इससे मुझे लगा कि मेरे को सेल्फ इंट्रस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है तो मैंने मेडिटेट किया ओवर दिस एंड धीरे धीरे वो चीज़ चेंज हो गई वो एक छोटा सा स्विच था जो सर ने मेरे को देना था तो मैं फैशन कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन डिज़ाइन पर आ गई दिस इज़ द कोर्स जो मैंने किया फाइनली पर्ल अकेडमी से एंड वो एक छोटा सा स्विच था जिसने एक परिवर्तन लाया एंड फैशन uh, से एक्चुअली एक कम्युनिकेशन uh, तक पहुँचाया एंड uh, मेरे को इतने वाइड एस्पेक्ट मिल गया कि उसके अंदर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकती थी एक वीडियो एडिटर एक एनिमेटर, एक वी डिज़ाइनर सब कुछ बन सकती थी मैं तो मैंने इन शॉर्ट सारी चीज़ें सीखी और uh, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज uh, आ गया जिसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकती थी बट देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे ग्राफिक्स के साथ जाना है बिकॉज मेरे को लगा कि मेरे मेरा उसमें ज़्यादा फोटे है तो मैं इलास्ट्रेशन करके ग्राफिक डिज़ाइनर बनी अमेजिंग तो बेसिकली आप स्पिरिचुअल पार्टी भी करते हैं और बर्थडे पार्टी भी करते हैं ओ यस डेफिनेटली मेरे को कभी भी नहीं लगा कि एक मेडिटेटर बनने से मेरा वो पार्टी साइड या वो फन साइड ख़त्म हो गया लाइफ में आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं पार्टी करती हूँ एज यू सेड बर्थडे पार्टी भी करती हूँ एंड uh, हम बहुत डांस करते हैं मस्ती करते हैं और uh, मेरे ध्यानी फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं मेडिटेट फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं अलग पार्टी करती हूँ और उसमें भी बहुत मज़ा आता है एंड एक होता है ना आपके बात करने में एक टॉपिक्स एड ऑन हो जाते हैं तो जब मैं अपने ध्यानी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करती हूँ बातें करती हूँ गॉसिप्स करती हूँ तो हमारी गॉसिप्स होती हैं क्या तुमने वो स्परिचुअल साइंटिफिक मूवीज़ देखी कोई ना कोई कोई अच्छी मूवी रिकमेंड कर देता है एंड की बुक पढ़ी तो बुक का कॉन्सेप्ट क्या था उस बुक में क्या अच्छा लगा एंड वट वॉज द लर्निंग तो उस तरह की गॉसिप्स भी एड ऑन हो चुके हैं मेरी लाइफ में तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है ऐसा नहीं है कि मैंने करण जौहर की मूवीज़ देखना छोड़ दिया है या मुझे बॉलीवुड पसंद नहीं है आई स्टिल वॉच ईच एंड एवरी बॉलीवुड मूवी बट आई ऑल्सो वॉच स्परिचुअल साइंटिफिक मूवीज़ देविका बहुत यंग थे जब आप मेडिटेशन में आए तो आपके फ्रेंड्स ने कैसे रिएक्ट किया जब मैं मेडिटेशन में आई मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए उन्हें बतानी चाहिए कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको ये चीज़ करनी चाहिए बट इनिशियली ना उनको समझ नहीं आया इनको उनको लगा ये क्या बातें कर रही है ऑब्वियसली जब तक आप वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि वो है क्या एंड बट uh, उनको पहले लगता था कि ये कैसी बोरिंग बातें कर रही है ये कर रही है बट जब उन्होंने मेरे अंदर वो चेंजेस देखे ना जैसे कि हम जब मैं मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तो हमारा दिल्ली में एक छोटा सा ग्रुप बना पिरामिड यंग मास्टर्स एसोसिएशन जो हमने बनाई दिल्ली की तो एक विंग है ये यूथ विंग है पाइ, पाइमा के नाम से पी -स -स का तो उसमें मैं और कुछ और मेरे फ्रेंड्स जो मेडिटेटर्स थे हमने ये दिल्ली में शुरू किया था एंड uh, तो हम इसके अंदर ना बहुत एक्टिविटीज़ करते थे जैसे स्कूल्स में जाके कॉलेजेस में जाके मेडिटेशन सिखाते थे पिरामिड मेकिंग सिखाते थे और वेजिटेरियनिज्म uh, की रैलीज़ निकालते थे एंड uh, हमने डांस परफॉर्मेंसेस भी, भी बहुत करी एंड uh, हमने प्रिपेयर किया उनके लिए तो ये सब चीज़ें देख ना Uh, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे अरे वाह यार ये तो बहुत सही कर रही है एंड इसकी तो फ़ोटो भी आई है न्यूज़पेपर में ओ माय गॉड एंड ये तो बहुत कुछ अलग कर रही है नया कर रही है तो वो मेरे से आके पूछते थे कि तू क्या कर रही है तेरे मार्क्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं एंड यू नो ये तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रही है तो मैं उन्हें बताती थी देन दे दे सेट कि अच्छा नहीं यार ये चीज़ बोरिंग नहीं है ये तो उल्टा कूल है कि ये कुछ अलग हटके कर रही है सो दैट वॉज समथिंग मेरे को स्कूल में वो उस तरीके से रिकगनाइज किया जाता था कि अच्छा ये आ, सिर्फ जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं ये उससे हटके कुछ करती है अमेजिंग wow! तो मीन्स बेसिकली आपने क्या लीड बाय एग्जांपल जो कहते हैं आपने अपने एग्जांपल से ही लीड किया आप में चेंजेस देखे आपके फ्रेंड्स ने एंड उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया और खुद भी ध्यान में आए हुए येस सो देन एवर क्वेश्चन मी कि तू ये क्यों करती है किस लिए करती है इंस्टेंट वो बड़े इंटरेस्ट uh, के साथ मुझसे पूछते थे कि अच्छा तो और क्या होता है पी एस एस एम में कैसे तुम्हें ध्यान सिखाया जाता है तू तो इतना ट्रैवल करती है ये कौन है पचरी सर जिनके साथ तू तो इतना ट्रैवल करती है मेडिटेशन सीखती है तो मैं उनको जब बताया कि ही इज़ नॉट अ रेगुलर गुरु वो कोई गुरु नहीं है जिनको आप टीवी में प्रवचन दे देते हुए सुनते हो या यू uh, नो you know, ऐसे हम देखते हैं बट ही इज़ समबडी हु इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड एंड वो जो बातें करते हैं वो प्योरली साइंटिफिक बातें करते हैं कोई ऐसे ही uh, कुछ भी नहीं बोल देते बहुत ही कॉन्सेपचुलाइज्ड बातें होती हैं बहुत फैक्टफुल बातें होती है जो वो करते हैं तो जब मैं उनसे वो कॉन्सेप्ट शेयर करती थी उन्हें थोड़ा पहली पहली बार हार्ड लगता था समझना ओब्वियसली क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं कर रहे थे बट धीरे धीरे उनको भी समझ आने लगा कि हाँ नहीं बात तो मैं सही कर रही हूँ अमेजिंग देविका आपने बहुत बार बोला कि पथरी सर आपके बेस्ट फ्रेंड है फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप है और वैसी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से मेडिटेशन से रिलेशनशिप्स में कैसे अफेक्ट पड़ा रिलेशनशिप्स uh, मेरे बहुत अच्छे हो गए क्यों क्योंकि मैं नॉन जजमेंटल स्टेट पे आ गई पत्री सर हमेशा कहते हैं कि हमें एक नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड पे होना चाहिए वी डोंट नो कि सामने वाला कोई चीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है किस लिए कर रहा है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं हमें देखने में वो चीज़ नेगेटिव लग सकती है बट वो क्यों ऐसे हो रही है हमें तो नहीं पता ना इसीलिए मैं हमेशा एक नॉन जजमेंटल स्टेट पर रहती हूँ और मेरे रिलेशनशिप्स बाकी उसे बहुत अच्छे होते हैं एज़ कंपेयर्ड बिकॉज़ मैं सबके साथ मिलती हूँ तो बहुत प्यार से मिलती हूँ और अगर मुझसे कोई कोई बात करता है तो अगर मुझे वो समझ आती तो मैं लेती हूँ नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ वेरी गुड देविका देविका आपने कहा कि आपके हस्बैंड पहले मेडिटेट uh, नहीं करते थे एंड वो नॉन वेजिटेरियन थे तो अब वो वेजटेरियन बन गए हैं एंड ध्यान करते हैं तो उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए वो मेरे फ्रेंड रहे हैं बचपन से एंड उन जब मैंने ध्यान करना शुरू भी नहीं किया था वो तब से मेरे फ्रेंड है एंड उन्होंने मेरा ये जो परिवर्तन है लाइफ में ये खुद अपने आँखों से देखा है एंड कभी मैंने उन्हें फ़ोर्स नहीं किया कि आप भी करो मैंने आज तक किसी फ्रेंड को फ़ोर्स नहीं किया मैंने हमेशा ये ज़रूर बोला है ट्राई करके देखो बहुत मज़ा आता है तो जब उन्होंने फाइनली आफ्टर एट ईयर्स पतरी सर से मिलने के बाद ये चीज़ ट्राई करी उन्हें भी बहुत मज़ा आया उनको ये लगा कि इट इज़ सो रिलैक्सिंग कितना अच्छा है ये बिकॉज तब तो चलो एक बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको कहती थी बट आज एक मैं जब पॉइंट ऑफ व्यू से कह कहती हूँ तो वो सुनते भी हैं एंड uh, जब वो ऑफिस से आते हैं या ध्यान करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलती है एंड मेंटल पीस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट डीज डेज तो मेंटल पीस मेंटल हेल्थ मेंटेन करना बहुत आसान है अगर आप ध्यान करते हो तो एंड ही हैज़ अचीव दैट और अगर बात करें नॉन वेज ना खाने की या नॉन वेज छोड़ने की तो उन्हें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई नॉन वेज छोड़ने में इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर हिम बिकॉज उन्होंने कभी uh, uh, किसी और वजह से नॉन वेज नहीं खाया बस एक टेस्ट वाइज कि उनको पसंद था तो वो खाते थे बट नाओ इट इज़ वेन ही अंडरस्टुड कि साइंटिफिक रीज़न क्या है वाई नॉट टू इट नॉन वेज वेन ही अंडरस्टुड दिस थिंग तो थिंग्स बिकेम वेरी ईजी ऑब्वियसली मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो तो सब कुछ ईजी हो ही जाता है लाइफ में तो ही अंडरस्टुड इट वेरी वेल एंड येस ही बिकेम अ वेजिटेरियन वाह मींस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको बस मेडिटेशन करना है या yes, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा डेफिनेटली मेडिटेशन एक ऐसी गोल्डन की है एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो जिस दरवाजे में लगाओगे दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा एनी प्रॉब्लम एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद मेडिटेशन वाओ अमेजिंग देविका तो देविका अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे एक्साइटिंग राउंड रैपिड फायर राउंड हम स्टार्ट करते हैं You have to be super fast, ना रॉकेट की तरह मी वन वर्ड कम्स यूर माइंड से मैजिकल टूल जिससे हर चीज सॉल्व हो जाती है अमेजिंग अगर मैं बोलूँ वन वर्ड पर देविका बिफोर मेडिटेशन एंड वन वर्ड पर देविका आफ्टर मेडिटेशन सो बिफोर मेडिटेशन देविका जस्ट अंग गर्ल And after meditation देविका super energetic young girl <laughs> we can feel her energy देविका आपका एक talent जो आपको ध्यान में आने के बाद पता चला uh, creativity okay and पथरी सर से एक learning जो आपको like अभी तक आपके इसमें है कि ये बहुत ही important है ऐसी learning uh, दो बोलूँगी एक है non-judgmental और एक है middle path अमेजिंग पत्री सर को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है वो स्वाध्याय के बारे में बोलते हैं तो पत्री सर की रिकमेंडेड एक बुक जो आपको बहुत पसंद है लोपसम रामपाथर है योर फेवरेट कोर्ट ऑफ पत्री सर इंग्लिश uh, कोर्ट है दैट स्पिरिचुअलिटी मीन्स लिविंग इन द रियालिटी एंड नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट मतलब आध्यात्मिकता का मतलब है कि आपको वास्तविकता में जीना है उससे भागना नहीं है हो oh, वाओ wow. थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन के आंसर बहुत ही रैपिड थे बहुत ही क्विक थे थैंक यू सो मच तो देविका लास्ट में हम चाहते हैं कि आप हमारे यूथ को युवा को एक मैसेज थैंक यू आनिया मुझे बहुत मज़ा आया स्पेशली रैपिड फायर राउंड में एंड uh, पत्री सर के साथ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है बट टू आर यूथ मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी दैट वी क्रिएट आर ओन रियालिटीज़ इस बात को हम जितनी जल्दी हो सके अपने सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट कर लेना चाहिए बिकॉज़ वी डू क्रिएट आर ओन रियालिटीज़ हम जो सोचते हैं जो करना चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं इट्स जस्ट द पावर ऑफ थाट पावर ऑफ स्पीच दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेडिटेशन अगर मिल गया तो गेम हमारे ही हिस्से में होगा इट द बॉल विल बी इन आर कोर्ट तो अपने कोर्ट में वो बॉल लाओ ध्यान करो और अपनी जो चीज़ें हैं जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उनको अचीव करो वाह थैंक यू सो मच देविका फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच